अब हमारे पास क्या है, पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन क्या होते हैं? हमारे पास दो पैटर्न होते हैं, एक होता है ग्लोबुलर और एक होता है लीनियर। ग्लोबुलर किस में होगा? मेंटल में। लीनियर किस में होगा? मेंटल और सरकमपल्पल दोनों में। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? ग्लोबुलर में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये मिनरलाइजेशन फ्रंट है, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स डिपोजिशन हो रही थी वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स होगी, जिसे हम कैल्कोस्फेरिक भी कह देते हैं, कैल्सिफिकेशन, कैल्कोस्फेरिक, क्योंकि कैल्सिफाइड मैसेज जो होंगे ना हमारे पास पहले छोटे छोटे बनेंगे, फिर इवेंचुअली इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा, सारे इंक्रीज हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और एट द सेम एक वक्त आएगा जब हमारे पास ये सारे जो होंगे कोलेज कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ करके एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म सी डेंटिन बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे ग्लोबुलर पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन। एक होता है लीनियर। अब लीनियर में क्या होता है कि सेम वही चीज़ होती है, लेकिन उसमें रेट ऑफ डेंटिन फॉर्मेशन क्या होता है, स्लो होता है, जिसकी वजह से हमें यूनिफॉर्म नज़र आता है। लाइक अगर स्लो होगा तो उसके मतलब छोटे छोटे हमारे पास पैटर्न वो ग्लोब्यूल्स बनेंगे, छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं ना वो इवेंचुअली फ्यूज हो जाएंगे ऐसे करके, उसमें तो बड़े बड़े बन रहे थे, इसमें छोटे छोटे यूनिफॉर्म हमें पैटर्न नज़र आएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। इसे हम कहते हैं लीनियर पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट है अब डेंटिन जो होती है रूट की कैसे बनती है, कि हमारे पास उसमें वही हर्ड विंग रूट एपिथेलियल शीट जो होती है वो प्रोलिफरेट करेगी और ओडोंटोब्लास्ट बना देगी। अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट होगी वो हमारे पास अगर के डेंटिन बनाएगी। अब जो रूट डेंटिन होती है वो सेम कॉर्नल डेंटिन की तरह ही होती है। मेन डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, कि जो ओरिएंटेशन होती है ना कोलेजन फाइबर्स की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो सीमेंटम के डेंटिन के साथ ब्लेंड कर जाते हैं, और भी थोड़े और जो फॉस्फो प्रोटीन कंटेंट होगा रूट डेंटिन का वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका हमारे पास डिफरेंस क्या आया, कि एक तो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की जो अलाइनमेंट थी वो डिफरेंट आ गई, दूसरा डिफरेंस क्या है फॉस्फो प्रोटीन कंटेंट का आ गया, और जो हमारे पास रूट डेंटिन की फॉर्मेशन होती है उसकी स्पीड स्लो होती है, और डिग्री ऑफ जो मिनरलाइजेशन होता है और वो भी हमारे पास थोड़ा स्लो होता है कोरोनल डेंटिन की नस्बत, बाकी सारा पैटर्न वही है। अब स्कैंडी डेंटिन क्या होती है, स्कैंडी डेंटिन हमने पढ़ा कि आपको तो रूट फॉर्मेशन बनती है, अब इसमें मेन पॉइंट ये रखना है प्राइमरी डेंटिन और स्कैंडी डेंटिन के दरमियान एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं सबटल लाइन या डिमार्केशन लाइन। ये डिमार्केशन लाइन क्या करती है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देती है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ अब सबटल और डिमार्केशन लाइन पे मेन डिफरेंस आ रहा होता है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की उसकी जो होती है सिमिट्री का, कि उसमें थोड़ी सी इरेगुलर, अगर ये प्राइमरी डेंटिन की डेंटाइनल ट्यूब्यूल ऐसे आ रही है तो सेकेंडरी की थोड़ी सी इरेगुलर फोर्स हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और जो टर्शियरी डेंटिन का हमने वो एक बात की थी कि हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी, जब हमारे पास कोई हार्मफुल इंजरी आ जाए तो दो तरह की होती है, रिपेरेटिव होती है और रिएक्शनरी होती है। वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना स्टिमुलस है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तो टर्शियरी डेंटिन के रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, अगर हमारे पास स्लो होगा तो स्लो होगा। तो ये थी हमारे पास डेंटिनोजेनेसिस।